हे गाइस वेलकम टू बैक। तो आज हम बात करेंगे HPSSC हमीरपुर की। तो इसके द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/1/2019। ये एडवर्टाइजमेंट है और डेट जो इसकी वो है 1/3/2019 3 मार्च। ठीक है, इसकी जो ये मार्च की डेट है 1 मार्च को ये जारी किया गया था। और जो वेबसाइट है इसकी वो है hpssb.hp.gov.in। ठीक है, पोस्ट अकाउंट से होगी, उस पर हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। बहुत सी वैकेंसी भरी जाएंगे इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अंत तक देख लेना। आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट आप जरूर करना, ताकि हम आपको बेटर तरीके से समझा सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जो ओपनिंग डेट है इन वैकेंसी की वो आप देख लीजिएगा, 5/3/2019 से आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 मार्च से। लास्ट डेट है इसकी 4 अप्रैल को। ठीक है, तो 4 अप्रैल को आप रात 12 बजे तक फिर अप्लाई कर पाएंगे। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ठीक है, ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई करोगे। बाकी अगर कुछ भी आपको डाउटफुल लगे तो आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे, आप कमेंट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं आगे। अब तो ऑनलाइन होगी। ठीक है, ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई करोगे। अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी भी हम आपको बता देंगे, और अगर कुछ भी आपको डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड बोर्ड को, कॉरपोरेशन बोर्ड पेस ब्रांड। तो एलिमेंट्री एजुकेशन की है, LT की पोस्ट निकली है। ठीक है, लैंग्वेज टीचर की पोस्ट है LT की। सैलरी क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। पोस्ट कोड है 730, ये पोस्ट कोड है। और अलग अलग इसमें वैकेंसी दी हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट बिलासपुर की 10 पोस्टें भरी जाएंगी। आप बिलासपुर से अगर आप हो तो आप आराम से देखिएगा इसके लिए। LT की अगर लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी है तो इसके लिए आपकी हिंदी में आपकी BA वगैरह ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, और बाकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो हम आपको बता देंगे। और इसकी जो 10 पोस्ट है बिलासपुर की है, चंबा की 17 पोस्ट ये भरी जाएंगी। कैटेगरी वाइज आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा। नंबर जिस भी कैटेगरी से आप हो आप अपनी कैटेगरी में देखिएगा कौन सी पोस्ट की कितने वैकेंसीज है। उसके बाद अगली बात करेंगे तो हमीरपुर में जो वैकेंसीज है वो है 13, ये वैकेंसी भरी जाएंगी। हमीरपुर की बात कर रहे हैं। अब जो कुल्लू के लिए 7 पोस्ट ये भरी जाएंगी कुल्लू की, और कांगड़ा के लिए 38 है। ठीक है, ये वैकेंसी भरी जाएगी 38 कांगड़ा की। और लाहौल स्पीति की 1 पोस्ट है। ठीक है, ये भरी जाएंगी। अब मंडी की 24 पोस्टें भरी जाएंगी ये लैंग्वेज टीचर की। ठीक है, इनको आप देख लीजिए। शिमला की है, ये 20 पोस्टें भरी जाएंगी शिमला के लिए। और कैटेगरी वाइज जिनको डिवाइड किया हुआ कौन सी कैटेगरी के कौन सी पोस्ट है, सिरमौर के लिए 3 पोस्ट हैं, सोलन की 9 है, ये 9 पोस्टें भरी जाएंगी, ऊना की 13 है। ठीक है, तो ये पोस्टें भरी जाएंगी। अपना डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिएगा, टोटल है 155। ठीक है, ये पोस्टें भरी जाएंगी लैंग्वेज टीचर की, ये पोस्टें होगी। उसके बाद अगली पोस्ट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, ये है मैकेनिक इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही भरी जाएंगी। पोस्ट कोड है 3731, जन की एक पोस्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैकेनिक की ये पोस्टें होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरी जाएगी, 732 पोस्ट कोड है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और सेम यही पोस्ट होगी कॉपी होल्डर की, ये जो डिपार्टमेंट है। ठीक है, जो टाइटल नेम पोस्ट नेम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की ये पोस्ट है कॉपी होल्डर। ठीक है, इसकी नेम ऑफ टाइटल है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही भरी जाएंगी। सारे आपकी स्क्रीन पर है, 733 ये पोस्ट कोड होगा, SC की एक पोस्ट भरी जाएगी। ठीक है, तो आप जनरल से हो या OBC ST से, तो आप चाहे जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करो, परंतु ये पोस्ट फिर SC कैटेगरी की, तो SC वालों को ये पोस्ट मिलेगी। उसके बाद अगली बात करेंगे हम टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI की ये पोस्ट है। ठीक है, 2 पोस्ट ये भरी जाएंगी, पोस्ट कोड है 734। ध्यान रखिएगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आप नोट करते जाइएगा, ताकि आपको बाद में पूरी जानकारी, जब भी आप अप्लाई करने लगते हो तो उस टाइम आपको पोस्ट कोड पूछा जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेम ये डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, और ये लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी है 6, ये भरी जाएगी। और कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया हुआ तो आप देख लीजिएगा, पोस्ट कोड है 735। उसके बाद अगली बात करेंगे हम लाइब्रेरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, सेम टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग ITI की पोस्ट होगी, 736 पोस्ट कोड है, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, भरी जाएंगी ये। अब हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन की ये पोस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट की ये पोस्टें हैं, ड्रग्स
ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही भरी जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी दो होगी और उसके बाद हम बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको क्वालिफिकेशन नहीं बता रहे, तो वो भी हम आपको अब बाद में बता देंगे, आगे आगे आप देखते जाइएगा। उसके बाद HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है, 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं 28, ठीक है, ये भरी जाएगी 28 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज में ये पोस्टें भरी जाएगी, पंचायती राज डिपार्टमेंट में हॉस्टल वार्डन की पोस्टें भरी जाएंगी, सैलरी सेम रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, पोस्ट कोड है 739। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जो क्वालिफिकेशन चाहिए इन पोस्टों के लिए उसको आप देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन की पोस्ट है, 740 पोस्ट कोड है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और इसके लिए आपके पास एडिटिंग का एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लैबोरेटरी असिस्टेंट की, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी की ये पोस्ट है, सेरोलॉजी की, ठीक है, सॉरी, तो SC की एक पोस्ट है, ये भरी जाएंगी, पोस्ट कोड है 741। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट की पोस्ट है, भरी जाएगी, टेक्निकल असिस्टेंट टाइटल है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही भरी जाएंगी, 742 पोस्ट कोड है, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, ये भरी जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर की पोस्टें भरी जाएंगी, इसमें सैलरी आपकी स्क्रीन पर, नंबर ऑफ वैकेंसी होगी 14, ये ठीक है, 14 वैकेंसी भरी जाएंगी। अब जो सेम है इसमें HP जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की इलेक्ट्रिशियन की पोस्टें हैं, सैलरी सेम रहेगी, पोस्ट कोड है 744, ठीक है, 744, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, ये पोस्ट भरी जाएगी, ठीक है। अब होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस की पोस्टें मांगी हुई इसमें, कमांडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर की, स्टोर ऑफिसर की पोस्टें हैं, सैलरी सेम रहेगी, नंबर ऑफ सीरियल नंबर है 16, पोस्ट कोड है 745, नंबर ऑफ वैकेंसी है 3, ठीक है, जनरल की 2 भरी जाएंगी और BPL जनरल की 1 पोस्ट है, ठीक है, तो ये 3 पोस्टें भरी जाएंगी इसमें, 3 की पोस्टें होगी, ठीक है। अब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कौन सी पोस्ट के लिए वो आप देख लीजिएगा, तो जिस हम LT की बात कर रहे थे लैंग्वेज टीचर की, 730 पोस्ट कोड था, BA हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो अगर आपने हिंदी, अगर आपने ग्रेजुएशन BA की हुई है हिंदी, अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट था और 2 साल के आपने JBT DLD की हुई है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं, अगर आपने BA की और 50% मार्क्स है हिंदी में एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट और 1 साल की BEd आपने की हुई है, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी है वो आप इसको देख लीजिएगा, ये सब कुछ इसमें बताया हुआ है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर आपको टाइम चाहिए इस पोस्ट को पढ़ने के लिए, कि कौन सी पोस्ट है, किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगली बात करेंगे हम, जो हमने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की आपको पोस्टें बताई है उसके लिए क्या चाहिए, तो 731 पोस्ट कोड है ये, और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए थी, +2 पास, 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल की, ठीक है, और 3 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगली बात करेंगे, तो मैकेनिक प्रिंटिंग की जो पोस्टें बताई थी, +2 पास आपके इसके लिए चाहिए, 2 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 ईयर का आपके पास ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने चाहिए, 732 पोस्ट कोड है। अब जो 733 है, ठीक है, इसके लिए जो कॉपी होल्डर की पोस्ट नेम था, शुड हैव +2 पास ये आपकी होनी चाहिए और 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्रूफ रीडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सेम गवर्नमेंट, ठीक है, तो रेगुलर प्राइवेट आपके पास जो भी है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ये डिस्पेंसर की, तो पोस्ट कोड है 734 और मैट्रिक विद साइंस आपकी होनी चाहिए, ठीक है, डिस्पेंसर की ये पोस्ट है, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट, ठीक है, ये आपकी रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे लैबोरेटरी असिस्टेंट फार्मेसी कॉलेज की पोस्ट होगी, 735 पोस्ट कोड है, 10वीं और सॉरी +2 पास इसके लिए होनी चाहिए आपके और साइंस में होनी चाहिए आपकी +2, एटलीस्ट 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए। और जो लैबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी DPharma ये आपकी होनी चाहिए। 737 जो पोस्ट है सीनियर साइंटिस्ट ड्रग्स की, तो इसके लिए शुड बी ग्रेजुएट इन मेडिसिन और साइंस,
बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फूड एंड ड्रग्स ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया लोब हैज़ इन क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा जो भी क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है अगर आपके पास ये है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फेडर की, तो 738 ये पोस्ट जो पोस्ट कोड है ये भरी जाएगी फेडर की। ठीक है, मैट्रिक आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। आईटीआई फेडर ट्रेड में आपकी होनी चाहिए तो फिर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल बार्डन की जो पोस्ट थी 739 पोस्ट कोड था, तो इसके लिए आप बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसी अगर आपने कुछ किया हुआ तो आप हॉस्टल बार्डन के लिए अप्लाई कर सकती है, पंचायत राज की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो देखिएगा आप, तो असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन की पोस्ट है। शुड हैव मैट्रिक आपके पास 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और 2 साल का आपके पास ये फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है, सिनेमा फोटोग्राफी का ये एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, इसको आप देख लीजिएगा। लैबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी की पोस्ट है, बीएससी मेडिकल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी आपकी क्वालिफिकेशन में मांगी हुई, 741 पोस्ट कोड है। अगली पोस्ट की बात करेंगे हम, तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, मैट्रिक आपकी होनी चाहिए, 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है। और अगली बात करेंगे 743 जो पोस्ट कोड है, इसमें जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर फर्स्ट क्लास डिग्री इन केमिकल इन्वायरमेंट सिविल इंडस्ट्री एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए। 744 पोस्ट कोड है इलेक्ट्रिशियन की, आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन। तो ये इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है और मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास इतना एक्सपीरियंस होगा किसी भी पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगी हुई। ठीक है, अब जो होमगार्ड की जो पोस्ट है थी, ठीक है, ये 745 जो पोस्ट कोड था, इसके लिए आप +2 पास होने चाहिए और आपका किसी प्लान रोड कमांडर का आपका जो होमगार्ड में कोई रैंक आप होमगार्ड में होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट 3 ईयर कम से कम आपके पास ये सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए और हवलदार इंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्वार्टर मास्टर हवलदार इन होम गार्ड डिपार्टमेंट एलएस 3 ईयर आपके पास। तो इसमें मुझे लगता है जो होम गार्ड से मैं जॉब कर रहे हैं अभी डिपार्टमेंट में हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन आपको पता है सेम रहेगा, हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज त्यौहार वगैरह जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और अब जो एक्सपीरियंस वगैरह मांगे हुए हैं, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसके लिए हम आपने आपको बता चुके हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या है और कौन सी पोस्ट के लिए आप जो मेन आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा 85 मार्क्स का, ठीक है, और इसमें आपको हम थोड़ी सी जानकारी और देना चाहेंगे। आपको जो आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, इसमें आपको 2 मार्क्स का, 2 नंबर का, ठीक है, ये 85 क्वेश्चन है आएंगे आपको, ठीक है, 85 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, और 2 क्वेश्चन करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आप इसी बात से लगा लीजिएगा हिसाब कि जो आपका मान लो कि आपने 2 क्वेश्चन सही किए हैं तब आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 50 पैसे का आप का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। और हमीरपुर चयन बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसी में यही होता है कि 85 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, उसमें से आपको फिर जो इसके हाफ है, ठीक है, 120 क्वेश्चन आएंगे और फिर आपको ये मार्क्स बनेंगे, इसमें आप कितने लेते हैं और फिर कट ऑफ क्या बनती है उसके बाद ही पूरा जो होता है वो आपको बताया जाता है। 730 से 745 जो पोस्ट कोड है इनके लिए जो सिलेबस होगा, ठीक है, कौन क्या क्या आएगा आपके एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में, तो आपको आएगा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो आएंगे परंतु इसमें आपको हिमाचल प्रदेश के जीके के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे आपको, अभी पोल्ट्री से इतने क्वेश्चन आते नहीं है परंतु आप तैयारी रखिएगा, कल्चर के क्वेश्चन आपके आएंगे, उसके बाद करंट अफेयर आएंगे, ठीक है, करंट अफेयर होगी और एवरीडे साइंस लॉजिक की आपको इसमें ऐड होगा सब कुछ और जन इंग्लिश एंड जन हिंदी से आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैथ के जो क्वेश्चन है आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी इसमें सब कुछ जो है वो सेम होता है। ठीक है, ये आपको हम गारंटी दे रहे हैं सैन हिम तक के जरिए। अब जो है ये 15 मार्क्स आपको पता होगा किस प्रकार से आपको
15% ये नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। जैसे आपके पास सर्टिफिकेट है एससी एसटी ओबीसी जिसका भी, तो आपको एक नंबर उसका मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ज़मीन वगैरह नहीं और उसके पास आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है एसटीओ या तहसीलदार नायब तहसील द्वारा, तो फिर आपको फिर ये 2.5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सब कुछ होता है इसमें, ठीक है। तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको जो भी आप मेन है इस पर वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वेबसाइट hpssp.hp.gov.in, फिलिंग जो आप अप्लाई करोगे 5 मार्च से आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 मार्च से इसके लिए आप अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ₹120 जो है SST की फ़ीस होगी और ₹360 जाने की फ़ीस होगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अप्लाई कैसे करना है आपने, वो मैंने आपको वेबसाइट के दे दी है। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है वो लोग उसी ID को ओपन करिएगा, उसमें जब 5 मार्च को करिएगा, ठीक है। 5 मार्च से पहले अगर आप करोगे तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी अप्लाई करने के लिए, तो 5 मार्च के बाद फिर आपको पोस्ट मिल जाएगी। अपनी जो लॉगिन आईडी आपकी उसको आप लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप अप्लाई करिएगा। और मैं यही कहूँगा आपके कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि आपका जो अप्लीकेशन है वो आपको सबमिट हो जाए, क्योंकि बाद में जब प्रेशर पड़ता है, ठीक है, लास्ट में हर कोई अप्लाई करने लगता है, तो उसके बाद फिर वेबसाइट का जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर। अगर वीडियो से और इस चैनल से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता कि हम डेली आपको इस चैनल के जरिए जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज के लिए इतने, नमस्कार। बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर। नमस्कार।